हेलो दोस्तों, मैं हूं भानी रामडाल। दोस्तों, एंटमोलॉजी एमसीक्यू की जो अपने सीरीज चल रही थी, इसके अंदर अपने ये दूसरा लेक्चर है और इसमें कुछ अपने जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उन पर अपने डिस्कस करेंगे। इससे पहले भी एक लेक्चर में अपने डिस्कस कर चुके थे, कंटिन्यू अपने इसके अंदर काफ़ी क्वेश्चन है उन पर डिस्कस करेंगे। मोस्ट ऑफ वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे गए हैं, एग्जाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज के जो क्वेश्चन है अपने उन पर डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन है ये हमारे पहले डिस्कस हो चुके हैं, ठीक है। तो अब अपने आज के जो क्वेश्चन है उन पर डिस्कस करें। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट ऑर्डर ऑफ द क्लास इंसेक्टा। इंसेक्टा क्लास का सबसे छोटा ऑर्डर है वो कौन सा है? ऑप्शन ए है एमिपटेरा, ऑप्शन बी है ऑडोनाटा, ऑप्शन सी है जीरोपटेरा और ऑप्शन डी है कोलियोपटेरा। तो जो राइट आंसर है वो हमारा जीरोपटेरा, सी ऑप्शन राइट है। ये जो क्लास इंसेक्टा है उसका सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्डर है, सबसे छोटा ऑर्डर है। नेक्स्ट अपने बात करें तो दूसरा क्वेश्चन है, रेड ग्राम स्टिलिटी मोजक इज ट्रांसमिटेड बाय। देखो, जो अरहर होती है या अपने जिसको तुअर बोल देते हैं, उसके अंदर रेड ग्राम स्टिलिटी मोजक वायरस जो होता है वो एक पौधे से दूसरे पौधे में कौन से इंसेक्ट की वजह से ट्रांसफर होता है? तो ये माइट्स की वजह से ट्रांसफर होता है। कौन सी माइट की वजह से होता है? एकेरिया केजानी की वजह से होता है। तो दूसरा जो क्वेश्चन है उसका जो राइट आंसर है वो ए ऑप्शन है, यानी रेड ग्राम स्टिलिटी मोजक वायरस जो ट्रांसफर होता है वो माइट, कौन सी माइट से? एकेरिया केजानी जो माइट है उसकी वजह से ट्रांसफर होता है। नेक्स्ट अपने बात करें दो नंबर क्वेश्चन की, सॉरी तीन नंबर क्वेश्चन की, यहाँ चार लगा हुआ है। पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स आर फाउंड इन। पियर्सिंग यानी पंचर करने वाले और रस चूसने वाले जो माउथ पार्ट्स है वो किस में देखने को मिलते हैं? ऑप्शन है यहाँ पे हमारे पास कॉटन लीफ रोलर, दूसरा है कॉटन जेसिड, तीसरा है मस्टर्ड एफिड और चौथा ऑप्शन है पिंक बॉलवर। तो पियर्सिंग और सकिंग टाइप के माउथ पार्ट्स आपको देखने को मिलेंगे मस्टर्ड एफिड के अंदर देखने को मिलेंगे, ठीक है। जनरली आपने देखा होगा चेविंग टाइप के जो है वो ऑर्थोपटेरा के जैसे ग्रास हॉपर वगैरह में होते हैं, लैपिंग टाइप के होते हैं वो हेमिनोपटेरा यानी बी जो होती है हेमिनोपटेरा की उनके अंदर देखने को मिलते हैं। सिपोनिंग टाइप के हैं वो आपको लिप्डोपटेरा में जो बटरफ्लाई होती है, तितली वगैरह होती है, उनके अंदर देखने को मिलता है। पियर्सिंग और सकिंग टाइप का जो है वो डिप्टेरा के जो मॉस्किटो में आते हैं जैसे एफिड वगैरह आते हैं उनके अंदर देखने को मिलता है, और स्पॉनिंग टाइप जो माउथ पार्ट है वो डिप्टेरा की जो फ्लाई जो होती है उनमें देखने को मिलता है। तो इसके हिसाब से यहाँ पे राइट आंसर कौन सा होगा? सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट अपने बात करें फोर्थ नंबर क्वेश्चन, कॉइन द टर्म पेस्ट मैनेजमेंट। जो पेस्ट मैनेजमेंट टर्म है वो किसने दी थी? ऑप्शन है यहाँ पर गियरन ने, ऑप्शन बी है बार्टलेट ने, ऑप्शन सी है डॉक्टर पेरी एक्किसोन ने और ऑप्शन डी है डॉक्टर रे एफ स्मिथ ने। तो पेस्ट मैनेजमेंट जो टर्म है वो गियर ने जो दी थी, ऑप्शन ए राइट है, फोर्थ का जो राइट आंसर है वो ए ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट अपने बात करें फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, पोलिनेशन बाय बीटल्स इज नोन एज। अगर बीटल के द्वारा पोलिनेशन हो जाए प्लांट्स में तो उसको अपने क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं अपने कैंथ्रोफिली बोलते हैं। तो फिफ्थ नंबर जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर होगा सी, पोलिनेशन बाय बीटल इज नोन एज। अगर बीटल से पोलिनेशन होता है तो उसको अपने कैंथ्रोफिली बोला जाता है, सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट सिक्स नंबर क्वेश्चन है अपना, लॉ ऑफ टॉलरेंस वाज प्रपोज बाय, यानी सहनशीलता का जो नियम है या सहिष्णुता का जो नियम है वो किसने दिया था? ऑप्शन है वेक्टर के सेल्फोर्ड, ऑप्शन बी है हमारे पास एफ एफ ब्लैकमैन, ऑप्शन सी है हमारे पास जस्टस लीबेग और ऑप्शन डी है कार्ल्स मोबियस। तो लॉ ऑफ जो टॉलरेंस दिया था वो दिया था वेक्टर के सेल्फोर्ड ने दिया था, यानी सिक्स जो नंबर क्वेश्चन है उसका जो राइट आंसर है वो ए ऑप्शन राइट है, ठीक है। नेक्स्ट सेवन नंबर क्वेश्चन, साइंटिफिक नेम ऑफ बनाना एफिड। बनाना एफिड का साइंटिफिक नेम क्या है? तो बनाना एफिड का साइंटिफिक नेम है पेंटालोनिया निग्रोन्यूरोसा, पेंटालोनिया निग्रोन्यूरोसा, यानी बी ऑप्शन राइट है सेवन नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट अपने बात करें एट नंबर क्वेश्चन, द पेस्ट विच अटैक बोथ इन फील्ड एंड स्टोरेज ऑफ पल्सेस, यानी दलहनी फसलों के अंदर ऐसा कौन सा पेस्ट है जो खड़ी फसल में यानी खेत में भी नुकसान पहुंचाता है और स्टोरेज में भी नुकसान पहुंचाता है? तो ऑप्शन है हमारे पास पल्सेस बीटल, ग्राम क्रेम पॉड बोरर लिखा, ग्राम पॉड बोरर लिखना था, ठीक है, ग्राम पॉड बोरर, रेड ग्राम पॉड फ्लाई और पॉड बोरर।
तो जो पल्स बीटल होता है, पल्सेज जो बीटल होता है, वो खड़ी फसल में भी नुकसान पहुंचाता है और स्टोरेज में भी नुकसान पहुंचाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट अपने बात करें 9 नंबर क्वेश्चन। इन पेडी द इलोंगेशन ऑफ लीफ सेट्स, पत्तियां हैं उनकी लंबाई बढ़ना व्हेन इंफेक्टेड बाय गॉल फ्लाई। गॉल फ्लाई के इंफेक्शन की वजह से, गॉल फ्लाई का साइंटिफिक नेम होता है ओरिसिला ओराइजी, इज ड्यू टू द केमिकल नोन एज। ऐसा कौन सा केमिकल ये सिक्रेट करते हैं गॉल फ्लाई, जिसकी वजह से पत्तियां होती है उनके जो सेट्स होते हैं उनकी लंबाई बढ़ जाती है। तो ऑप्शन है एलिथ्रिन, ऑप्शन बी है यहाँ पे इक्डिसोन, ऑप्शन सी है सिसिडोजिन और ऑप्शन डी है ओलोमीन। तो सिसिडोजिन जो होता है, सिसिडोजिन जो होता है वो ये एक्सटेंड करते हैं गॉल फ्लाई, जिससे क्या होता है लीफ सेट्स होते हैं उनके अंदर इलोंगेशन देखने को मिलता है। तो 9 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 10 नंबर क्वेश्चन। द बुशी अपीयरेंस विथ डेड हार्ट्स, मतलब बुशी अपीयरेंस दिखे डेड हार्ट के साथ इन शुगर केन एट 6 इंटरनोड इज ड्यू टू। छठे जो इंटरनोड जो है, यानी जो छठा जो पोर है उस पर बुशी अपीयरेंस देखने को मिले और साथ में डेड हार्ट्स देखने को मिले, तो ये किसकी वजह से देखने को मिलता है? ज्यादा पानी देने की वजह से, टॉप बोरर की वजह से, एक्सेस नाइट्रोजन की वजह से, या मिलीबग से? तो ये देखने को मिलता है टॉप बोरर से देखने को मिलता है। तो 10 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट अपने बात करें 11 नंबर क्वेश्चन। इंसेक्ट दैट पास थ्रू द एग लार्वा प्यूपा एंड अडल्ट स्टेज, जिसके अंदर एग, उसके बाद वो लार्वा, लार्वा के बाद प्यूपा, और प्यूपा के बाद वो क्या है अडल्ट में चेंज होता है, ठीक है, अडल्ट में, ठीक है। तो ये चार जो अवस्थाओं से जो गुजरता है उसमें अपने, उसको अपने क्या बोलते हैं, उसमें किस तरह का रूपांतरण है, कौन सी मेटामोर्फिसिस है? तो जिसमें ये चार है अवस्थाएं उसको कंप्लीट मेटामोर्फिसिस कहा जाता है, और जिसमें ये चार अवस्थाएं नहीं होती है उसको अपने क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट मोर्फोसिस बोलते हैं। तो यहाँ राइट आंसर कौन सा होगा, सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ इंसेक्ट इज मोस्ट क्लोजली रिलेटेड डिप्टेरा, डिप्टेरा से मिलता जुलता हुआ ऑर्डर कौन सा होता है? तो ये अच्छी तरह जान लो, हाइमिनोप्टेरा होता है। कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है हाइमिनोप्टेरा होता है, वो डिप्टेरा से मिलता जुलता हुआ एक ऑर्डर होता है। तो 12 नंबर जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर है वो बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट अपने बात करें 13 नंबर क्वेश्चन। स्टिकी बैंड अराउंड द ट्री ट्रंक्स प्रोवाइड द प्रोटेक्शन अगेंस्ट, जो आम का पेड़ होता है जनरली अपने उसी के अंदर बात करते हैं। तो जो आम का पेड़ होता है उसमें इस तरह की अपने पॉलिथीन की पट्टी बांध देते हैं ना, जिसको अपने स्टेम बाइंडिंग बोल दिया जाता है। तो ये कौन से कीट से बचने के लिए करते हैं? तो ये मिली बग से बचने के लिए किया जाता है। तो 13 नंबर जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर है बी। क्या होता है कि जो फीमेल होती है वो सोइल के अंदर एग देती है और जो लार्वा है वो यहाँ से निकलकर इस तने से होते हुए ऊपर के भागों को जाकर खाता है। तो अपने इस पे सीट बांध देते हैं जिससे वो ऊपर नहीं चढ़ पाता, उसका ग्रिप नहीं बन जाता, ग्रिप नहीं बन पाता है। और अपने क्या करना चाहिए, इसे साइडों में ग्रीस भी लगा देना चाहिए जिससे नीचे पानी नहीं जाएगा और तना भी गलने के चांसेस नहीं रहे। तो इसको स्टेम बाइंडिंग बोलते हैं या फिर अपने स्टिकी बैंड्स बोल दिया जाता है। तो ये जो मैंगो मिलीबग है उससे बचाव के लिए प्रैक्टिस की जाती है। नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन। द फर्स्ट सक्सेसफुल अटेम्प्ट टू यूटिलाइज बायोलॉजिकल कंट्रोल इन्वॉल्व द इम्पोर्टेंट ऑफ, देखो द फर्स्ट सक्सेसफुल जो अटेम्प्ट है बायोलॉजिकल कंट्रोल का, उसके अंदर किसको इन्वॉल्व किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है वेडेलिया पिटल को काम में लिया गया था सबसे पहले बायोलॉजिकल कंट्रोल में। तो 14 नंबर जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन। द ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ क्रॉप पेस्ट एंड वीड्स वाज स्टार्टेड इन, देखो अखिल भारतीय जो अनुसंधान परियोजना है, मतलब पीड़क और जो खरपतवार है उनके जैविक नियंत्रण के लिए, पीड़क और जो खरपतवार है उनके जैविक नियंत्रण के लिए अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान जो परियोजना है वो कब स्टार्ट की गई थी? तो ये स्टार्ट हुई थी 1977 के अंदर। तो इसका राइट आंसर होगा 15 नंबर का, बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट अपने बात करें 16 नंबर क्वेश्चन। द प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल्स
कैम इनटू बिगिन, कब स्टार्ट किया था प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल, कब स्टार्ट हुआ था, ये स्टार्ट हुआ था 1993 में। तो 16 नंबर क्वेश्चन है उसका जो राइट आंसर है वो कौन सा होगा, डी ऑप्शन राइट होगा। तो ये आज के इस लेक्चर में 16 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेक्स्ट लेक्चर में अपने बात करेंगे अगले जो क्वेश्चन है उनके बारे में। आज का लेक्चर अपना कंप्लीट होता है, थैंक यू।